हाय गार्डनर, तो ये है मेरा तुलसी का पौधा। ये मेरी नर्सरी में है, इसे मैंने 14 इंची गमले में डेवलप किया है। और सही कहूँ तो मैंने डेवलप नहीं किया है, ये बीज से अपने आप लग गया। और एक बात फिर मैंने इस पर स्टडी करी कि इतना अच्छा पनप गया ये, बहुत ज़्यादा केयर किए बगैर। आप देखिए कितना अच्छा चल रहा है। ये राम तुलसी है, तो इसमें मैंने श्याम तुलसी भी दो छोटी लगा दी। और इसको कोई विशेष केयर नहीं दी मैंने, कुछ ऐसा फर्टिलाइजर अलग से नहीं दिया, सिर्फ गोबर खाद दिया था। तो फिर ये कैसे इतना अच्छा पनप गया, जबकि काफी लोग शिकायत करते हैं कि उनका जो तुलसी का पौधा है वो अच्छे से नहीं चल पाता है, वो मर जाता है घर पर जाकर, स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। मेरी नर्सरी में भी मैं पौधे बहुत सारे गमले में बना के रखता हूँ, और तुलसी के पौधे का मैंने देखा है, जहाँ जहाँ पर मैंने रखे हैं सेमी शेड में, सेमी शेड मतलब छत के नीचे नहीं, दूसरे पौधों के बीच में, जहाँ उन पौधों की हल्की धूप छाँव मिलती रहती है, वहाँ ये जरूर बहुत अच्छे पनपते हैं। अदरवाइज गमले में लगा के वैसे भी डेवलप करता हूँ मैं, शेड में भी रखता हूँ, शेड नेट में भी रखता हूँ, वो भी चल जाते हैं। पर ये इस तरह से जो नेचुरली चलते हैं, इनकी बात अलग रहती है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो आप भी एक बार आपके पौधों के बीच में अपना तुलसी का पौधा रख कर देखें। और एक बात और है, इसमें जो मिट्टी है इसमें बस थोड़ा सा गोबर का खाद दिया है मैंने। आप तुलसी का पौधा लेते हैं, कोई भी नया पौधा लेते हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 गमले बनाएं और उसको घर में अलग अलग पोजीशन में रखें। अधिकतर लोग बोलते हैं कि ठंड चालू हुई, हमारा तुलसी का पौधा मर गया या स्ट्रेस में आ गया, पत्तियाँ उसकी जल गई, गर्मी आई तो पत्ते उसके नहीं रहे, बारिश आई तो जनरली बारिश में तो क्या होता है, इसका सॉइल सोगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रेन वाटर अगर छोटे पौधे पर आएगा तो वो स्ट्रेस में आ ही जाएगा। तो इसकी सॉइल सोगी न रहे, थोड़ा सैंड रहे उसमें, ड्रेनेज ठीक रहे, क्योंकि सोगी सॉइल होगी तो किसी भी पौधे को अच्छे से चलने नहीं देगी। इसके अलावा इसकी जो मिट्टी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नीम खली मिला दें, 2 या 3%, लेकिन किसी भी पॉट की मिट्टी में आप नीम खली मिलाते हैं तो उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें उसके साथ में, पॉट की मिट्टी के साथ में, क्योंकि उसके कुछ भी कण अलग से रह गए तो ज़्यादा पानी होने पर वो फफूंद पैदा करते हैं, तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगा। तुलसी का जो पौधा है इसमें आप इसके गमले में 2-3 चुटकी हल्दी मिला सकते हैं, तो उससे मिट्टी जो अच्छी रहती है और उसको सड़ने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ये पौधा है, अब इसकी मैं मंजरी आप देखिए कितने, ये मंजरी काट दूंगा ताकि इसकी पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।